बारे में वर्णन करती हूँ। यह ब्रदर GS 2700 है, यह बेसिक मॉडल है। अगला मॉडल यह है कि GS 3700 और वह हायर मॉडल्स भी है। 27Q है, यानी यह 27 डेकोरेटिव डिजाइन है। इसलिए ये पोर्टेबल मशीन है, तो इसलिए कहीं पे भी रख सकते हैं सीते वक्त। हालांकि यह पोर्टेबल है पर स्थिर, और यह बहुत ही आसान है सेटअप करना और सिलाई शुरू करना। अगर आप यहाँ देखें, वह 4 डायल्स है। ये पैटर्न सिलेक्शन डायल है, ये टेंशन डायल है, और ये सिलेक्शन धागा और कपड़ा जो आप इस्तेमाल करते हो उस पर निर्भर करता है। आपको ये बदलना होगा स्मूथ स्टिच के लिए। ये स्टिच विड डायल है, यह स्टिच का विड सेलेक्ट करने के लिए जब कोई भी डेकोरेटिव स्टिच का उपयोग करते हैं। ये स्टिच लेंथ डायल है, यह स्टिच लेंथ कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग करते हैं। मैं यह बाद में वर्णन करूँगी जब हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो पहले चलो दिखाती हूँ कैसे बॉबिन भरते हैं और फिर मशीन पर कैसे धागा डालते हैं। अब बॉबिन भरने के लिए स्पूल पिन पर धागा डालें, यहां से ले आगे लाए। सही बॉबिन का ही इस्तेमाल करें जो इस मशीन के लिए ही हो। इस छेद पर से धागा डालें, अंदर से पार खींचे, इस शाफ्ट पर बॉबिन रखें, दाएं तरफ हटाएं। अब बॉबिन घुमाएं जब तक यह स्प्रिंग जो शाफ्ट पर है वह बॉबिन के नॉच में हटेगा। आप यह आवाज सुन सकते हैं। अब आप बॉबिन भरना शुरू कर सकते हैं। अब मशीन स्विच ऑन करें, फुटर उठाएं, पैर से फुट पेडल दबाएं मशीन शुरू करने के लिए। अब दिखाऊंगी बॉबिन कैसे डालते हैं। बॉबिन डालने से पहले फुटर उठाएं, बॉबिन यहाँ अंदर जाएगा तो ये कर्व खोले। बस यह खोलने के लिए आपकी तरफ स्लाइड करें। अब बॉबिन अंदर डालें, अंत का धागा आपके तरफ रखें। अब धागे को इस खांचे के अंदर ले, यहाँ पे गाइड है एरो मार्क जो आपको दिखाएगा कैसे करना है। और फिर यहाँ से ले, और यहाँ पे ब्लेड है इस पॉइंट पर जो अधिक धागे को कट कर देगा। अब इसे बंद करें। बंद करने के लिए बस आपको अंदर की तरफ स्लाइड करना होगा। अब चलो दिखाती हूँ कैसे ऊपर का धागा डालते हैं। उससे पहले फुटर उठाएं, हैंड व्हील घुमाएं और नीडल ऊपर उठाएं। ये हैंड व्हील है आपकी तरफ घुमाएं नीडल नीचे या ऊपर करने के लिए। अब धागा स्पूल पिन में डालें। पहला स्टेप यह है कि धागा यहाँ अंदर डालें। आप यहाँ स्प्रिंग देख सकते हैं, नीचे से डालें और नीचे आएगा। धागा नीचे लाए और ऐसे फिर से ऊपर ले, इसके चारों ओर से जाए, फिर से नीचे लाए। वहाँ एरो मार्क्स है और उसके साथ नंबरिंग भी है जो आपको मदद करेगा धागा डालने में। अब इसके पीछे से ले, फूटर नीचे डाले। यह मशीन बिल्ट इन नीडल थ्रेडर के साथ आता है। ये नीडल थ्रेडर लीवर है। धागा नीडल थ्रेड लीवर के तहत से जाने दे, लीवर नीचे खींचे और टर्न करे। अब धागे को नीडल के आगे लाए, नीडल के आगे रखे और आप धागा इस हुक के तहत से लेंगे और धीरे से धागा छोड़े और लीवर ऊपर ले। अब धागा नीडल के छेद से दूसरे साइड गया है और लूप बना है। लूप को खींचे और आपके नीडल में धागा डाला हुआ। अब फुटर उठाएं, धागा फुटर के नीचे जाने दे और पीछे ले ले। और इस मशीन में आपको नीचे का धागा ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, आप बस सिलाई करना शुरू कर सकते हो। ये सब सामान मशीन के साथ आता है। ये पैर नियंत्रक है, फुट कंट्रोलर। ये जिगजैग फुटर है जो आमतौर पर सीधी सिलाई या डेकोरेटिव स्टिच
के लिए उपयोग होता है। ये जिपर फुट है जो जिपर लगाने के लिए और कॉर्ड पाइपिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बटन सीने का फुट है। मशीन के साथ दो बॉबिन आता है। ये डाइनिंग प्लेट है। ये ओवल स्क्रू ड्राइवर है जो नीडल निकालने में और स्क्रूज निकालने में मदद करता है। अब यह कई और सामान है जो ऑप्शनल होता है, और दो सामान मैं अलग से लाई हूँ। ये पिको फुट है पिको करने के लिए, और ये गैदरिंग फुट है। इस वीडियो में मैं अलग अलग फुटर के इस्तेमाल के बारे में डिटेल नहीं जाऊंगी, मैं बस संक्षिप्त में जाऊंगी, पर मेरे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी अलग अलग फुटर का उपयोग। अब मैं दिखाऊंगी कैसे प्रेशर फुट बदलते हैं। पहले मशीन स्विच ऑफ करें, फुटर उठाए, ब्लैक बटन जो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं प्रेस करें फुटर रिलीज करने के लिए। जो आपको फुटर इस्तेमाल करना है वो ले और नीडल प्लेट पर रखे। यहाँ बार के साथ संरेखित करते हुए अब फुटर लीवर नीचे रखें और यह वो लॉक हो जाता है। अब हमने फुटर बदल लिया। अब यह निकालने के लिए ब्लैक बटन पर दबाएं और फुटर निकाल लें। अब चलो दिखाती हूँ कैसे निडल बदलते हैं। पहले हैंड व्हील टर्न करें आपके तरफ और नीडल ऊपर उठाए, प्रेशर फुट नीचे डाले। उससे पहले नीचे कपड़ा रखे ताकि जब आप नीडल निकाले वह नीडल प्लेट के होल्स पर ना जाए। प्रेशर फुट नीचे डाले, अपने बाएं हाथ से नीडल पकड़े और ओवल स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके स्क्रू ढीला करें। आपके तरफ टर्न करें, थोड़ा ही ढीला करें नीडल निकलने तक। अब सुई फिर से डालने के लिए नीडल के एक साइड राउंड है और दूसरे तरफ सपाट है। नीडल का सपाट तरफ मशीन के पीछे की ओर होना चाहिए, यानी आपकी साइड राउंड साइड होना चाहिए। अंदर रखें और ओवल स्क्रू ड्राइवर के मदद से स्क्रू टाइट करें। अब चलो सिलाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं सीधा स्टिचेस दिखाती हूँ, तो टू सेलेक्ट करें, यानी आपको पैटर्न डायल टर्न करना होगा ताकि टू इस मार्किंग के साथ संरेखित हो। ये डायल स्टिच लेंथ सेलेक्ट करने के लिए स्टिच लेंथ सेट करें 4 से 1 के बीच में। 4 से शुरू करते हैं और आपको दिखाती हूँ कैसे स्टिच लेंथ होता है 4 पर। अब स्टिच पिट पर आते हैं, सीधे स्टिच के लिए 2 पर रखें या 2 और 3 के बीच में रखें। अब चलो शुरू करते हैं सीना। हमेशा सिलाई करने से पहले बेहतर होगा रद्दी कपड़े के टुकड़े पर सिए, धागे का टेंशन जांचने के लिए सही है या नहीं। अगर आपको लूप्स मिल रहे हैं या अगर स्टिच लूज आ रहा है तो आपको टेंशन चेक करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब मशीन स्विच ऑन करें, प्रेशर फुट उठाएं, कपड़ा रखें प्रेशर फुट के नीचे, प्रेशर फुट नीचे डालें। मैंने कपड़े को प्रेशर फुट के एज के साथ संरेखित किया है यहाँ एक समान सिलाई पाने के लिए। अब सिलाई करना शुरू करें फुट कंट्रोलर को दबाते हुए। आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो फुटर कंट्रोल को ज्यादा दबा के या थोड़ा। अब जैसे आप सीते हो शुरू में और अंत में आपको स्टिचेस लॉक करना है, तो स्टिचेस लॉक करने के लिए रिवर्स सोइंग लीवर दबाएं सीते समय। जब तक आप रिवर्स लीवर दबाएंगे सिलाई पीछे की ओर जाएगी ताकि आपके स्टिचेस लॉक हो जाएगा, और फिर रिवर्स लीवर छोड़ दे आगे की ओर सिलाई करने के लिए। और जब आप अंत पर पहुंचे फिर से लॉक करें। जब सिलाई करना हो जाए प्रेसर फुट उठाए, धागा खींचे और आपके बाएं हाथ की तरफ ब्लेड है, धागा कट करे ब्लेड का इस्तेमाल करके। अब मैं फिर से सिलाई करूंगी, पर मैं स्टिच लेंथ बदलूंगी 2 पर और मैं अंतर दिखाऊंगी एक बार ये करने के बाद।
सिलाई स्टिच लेंथ 4 पर रख के किया था और ये सिलाई 2 पर रख के। नॉर्मल सिलाई के लिए आप ये स्टिच लेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप स्टिच लेंथ 2 और 3 के बीच में सेट कर सकते हो। अब चलो एक डेकोरेटिव स्टिच दिखाती हूँ। 7 सेलेक्ट करते हैं, पैटर्न डायल टर्न करें और 7 सेलेक्ट करें, स्टिच लेंथ सेलेक्ट करें 1 और 4 के बीच में और स्टिच विड्थ 4 से शुरू करते हैं। फिर मैं दिखाऊंगी छोटे नंबर के साथ भी। हैंड विल टर्न करें आपकी तरफ और सुई नीचे करें, प्रेसर फुट नीचे डालें और सिलाई करना शुरू करें। अब मैं विड्थ और लेंथ चेंज करती हूँ। मैं स्टिच लेंथ 2 पर सेट करती हूँ और स्टिच विड्थ 3 पर। तो ये बड़ा स्टिच लेंथ और व्यापक स्टिच विड्थ के साथ किया था और इसमें मैंने स्टिच लेंथ और स्टिच विड्थ कम किया था, तो ऐसा अंतर होगा जब आप स्टिच लेंथ और विड्थ कम करते हैं। तब यह वही पैटर्न है पर अलग दिखता है जब आप स्टिच लेंथ और विड्थ चेंज करते हो। तब इसमें और एक सुविधा है, बिल्ट इन फ्री आर्म, बस स्लाइड करें। ये उपयोगी है जब आप सेटल स्लीव्स या कफ सीते हैं, जो मेरे आने वाले वीडियोज में दिखाऊंगी। ये इस वन स्टेप बटन होल की सुविधा भी है, वो भी मेरे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। सोइंग लेसन प्रैक्टिस करें जैसे पार्ट 1 में दिखाया था।